बेटा आज ज्योग्राफी में प्रेशर बेल्ट आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ठीक है। प्रेशर बेल्ट में पूरे विंड्स का सर्कुलेशन भी है बेटा, ठीक है। विंड्स का सर्कुलेशन देखने के लिए या प्रेशर बेल्ट पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तीन पॉइंट्स हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? ऑलवेज रिमेंबर दैट हेयर इन दिस केस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हम इसमें बेटा ग्लोबल विंड्स देखेंगे, कुछ प्लानिटरी विंड्स देखेंगे। तो उन प्लानिटरी विंड्स के मूवमेंट को समझने के लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है व्हेनेवर यू विल फाइंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। जब भी टेम्परेचर हाई होगा याद रखना वहाँ पर प्रेशर लो होगा, ठीक है। एंड वाइसी वर्सा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ओके, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? द सेकंड पॉइंट सेज दैट विंड्स, और अगर प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो हमें इस पे टेम्परेचर बेल्ट भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम ये तीन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल ड्रॉ वन टेम्परेचर बेल्ट। चलो लेट्स ड्रॉ टेम्परेचर बेल्ट फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर सेकेंड पॉइंट वी विल ड्रॉ द टेम्परेचर बेल्ट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट सेज दैट विंड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड द सेकेंड पॉइंट वी हैव सीन दैट विंड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। तो विंड्स जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर का मतलब है वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ज़्यादा होगी, और वो कहाँ की तरफ मूव करेगी? जहाँ पर विंड्स नहीं है। और जहाँ पर विंड्स नहीं है वो कैसा एरिया होगा? लो प्रेशर एरिया होगा। अब ये हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होता है बेटा, वो मैं आपको एक बार बता दूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल। सपोज ये कोई लैंड है, सपोज दिस इज अ लैंड, ठीक है। अगर यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, सपोज ये मैं आपको बात कर रहा हूँ समर सीजन की, समर सीजन में अगर कोई लैंड एरिया बहुत गर्म है, तो उस गर्म एरिया में क्या होगा? सराउंडिंग की एयर भी गर्म हो जाएगी। और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी एयर गर्म होती है इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, एयर एक्सपैंड करती है और हल्की हो जाती है, लाइट इन वेट। सो दैट वार्म एक्सपैंडेड एयर विच कंटेन लॉट्स ऑफ मॉइस्चर विल राइज अप, ठीक है। इट विल राइज अप लाइक दिस, ठीक है। तो सारी जो लैंड में जो एयर थी वो गर्म की वजह से, गर्म हुई, एक्सपैंड हुई, हल्की हुई, तो वो सारी ऊपर राइज हो गई। सो इट विल क्रिएट विच काइंड ऑफ एरिया? इट विल क्रिएट लो प्रेशर एरिया ऑन द सर्फेस। LP एरिया का मतलब है लो प्रेशर एरिया। सो लो प्रेशर एरिया क्यों बना यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो सराउंडिंग की एयर गर्म हुई, और सराउंडिंग की एयर गर्म होने की वजह से एक्सपैंड हुई, लाइट वेट हुई, मॉइस्चर आया बहुत सारा, और वो क्या हो गई? राइज अप हो गई, ठीक है। और जहाँ पर एक्यूमुलेट हुई, और जहाँ पर एक्यूमुलेट हुई, और ये एयर कहीं पर अबव द सरफेस एक्यूमुलेट होगी, यहाँ पर कैसा प्रेशर क्रिएट करेगी? हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बेटा जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर लो है, वहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है या लो है, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट को जस्टिफाई करता है, ठीक है। और विंड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया को बताने के लिए अभी मुझे आपको पहले टेम्परेचर बेल्ट पढ़ानी पड़ेगी एंड देन विल कम टू प्रेशर बेल्ट, ठीक है। टेम्परेचर बेल्ट के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट करेंगे विच इज़ नोन एज कोरोलिस इफेक्ट,
ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट सीखते हैं बेटा पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।